वंस अगेन वेलकम टू मोहनसर की क्लास। तो आज हम यहाँ पे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ेंगे। फिफ्थ स्टैंडर्ड के मैथ में हम अपना आगे का जो प्रॉब्लम सेट है वो हम स्टार्ट करेंगे। मतलब हमारे जो पांचवी कक्षा की जो गणित है उसमें हमने अभी तक प्रश्न संख्या 2 तक सीख लिया है, मतलब प्रॉब्लम सेट 2 तक हमने सीख लिया है। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रॉब्लम सेट 3, मतलब प्रश्न संख्या 3 आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले है। तो पढ़ाने के पहले मैं आपसे एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि मेरी ये वीडियो है जो बहुत लोग देखते होंगे और बहुत लोग नहीं भी देखते होंगे, कुछ लोग ऐसे ही छोड़ देते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। खास करके ये पेरेंट्स के लिए है और बच्चों अगर आप भी समझ सकते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि खासकर ये बात जो है वो पेरेंट्स लोगों के लिए है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं या फिर हिंदी मीडियम में भी पढ़ाते हैं। स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ वो अपने बच्चों का ट्यूशन क्लासेस भी लगाते हैं, क्योंकि वो ऐसे सोचते हैं कि स्कूल के बेस पे ही हमारा बच्चा पढ़ नहीं सकता है, उसे क्लासेस या फिर ट्यूशन्स लगा दिया जाए तो वो और अच्छे से पढ़ेगा, राइट? यहां तक आप जो सोचते हो बहुत सही सोचते हो। और एक चीज, जैसे अगर आप ट्यूशन क्लासेस में अगर अपने बच्चों को डालते हो तो अगर आप देखोगे तो इंग्लिश मीडियम की आज की जो फीस है, अगर आप किसी क्लासेस या ट्यूशन में बच्चों को अगर पढ़ाने के लिए डालते हो तो किसी क्लासेस और ट्यूशन की जो फीस होती है वो 400, 500, 600 इस तरह से फीस होती है एक महीने की, राइट? आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और हिंदी मीडियम की उससे थोड़ी बहुत कम होगी, 300-400 रुपए ऐसे होगी। छोटी क्लास की आजकल जूनियर सीनियर के बच्चों की फीस होती है 300-400 रुपए। तो पांचवी से आठवीं तक की तो आप बात ही छोड़ दो, क्योंकि वो 500 के ऊपर ही होगी, जनरली सी बात है। तो मैं यहाँ पे किसी क्लासेस या फिर किसी ट्यूशन के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहूंगी, बट अभी आज का जो टाइम है, आज के टाइम में आप समझ सकते हो कि बच्चे कहीं जा नहीं सकते हैं, स्कूल तो बंद है, ट्यूशन और क्लासेस भी बंद है, वहां पे भी नहीं जा सकते हैं बच्चे। तो ऐसे में आपके बच्चों का पढ़ाई का नुकसान ना हो, आपके बच्चों की पढ़ाई जो है वो रुके ना। मतलब अभी देखोगे तो आपके बच्चों को अगर आप बिठाते भी होगे घर में पढ़ने के लिए तो वो आनाकानी करते होंगे, नहीं बैठते होंगे पढ़ने के लिए, वो ऐसे ही बोलते होंगे कि अभी स्कूल तो चालू नहीं है, ट्यूशन क्लासेस चालू तो नहीं हुए हैं, जब होंगे तब हम खुद ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी ये जो टाइम चल रहा है, अगर आप चाहो तो इसी टाइम को आप एकदम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब इसी जो समय है, इसी समय का उपयोग करके आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे एजुकेशन दे सकते हो। तो मेरा ये जो क्लास, जो मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया है, मेरे चैनल का मोटिव सिर्फ यही है कि अभी जो बच्चे स्कूल और ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं तो ये एजुकेशन चैनल के थ्रू वो घर बैठे ही ट्यूशन और स्कूल जैसी स्टडीज कर सकते हैं, मतलब स्कूल जैसी पढ़ाई उन्हें घर बैठे मिल सकती है। पेरेंट्स लोग अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को एक बार वीडियो देखने के लिए कहिए, उन्हें घर में बिठाइए और उनको वीडियो देख के पढ़ने के लिए कहिए। ऐसा करेंगे तो उनकी पढ़ाई भी नुकसान नहीं होगी, उनकी पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहेगी। तो इस तरह से आपका जो समय है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा और आपके बच्चे की जो एजुकेशन है वो भी बीच में ही अटकी नहीं रहेगी, मतलब बीच में ही पड़ी नहीं रहेगी, बीच में ही बंद नहीं रहेगी। तो मेरी आपसे बस एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो या मेरी वीडियो अगर आप तक पहुंच रही है या फिर जिन तक नहीं पहुंच रही है, और जो लोग देख रहे हैं वो बाकी के लोगों के साथ शेयर करें। मैं इसीलिए आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा आपके साथ साथ दूसरों का भी बेनिफिट होगा। ये जो मेरी वीडियो है, अगर ये कोई पेरेंट्स देख रहे हैं या फिर कोई स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो मेरी बात पे एक बार गौर कीजिएगा कि बाहर अभी इस समय पे बाहर तो नहीं भेज सकते हो, अगर बाहर भेजोगे भी तो आपके इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। तो ये देखने के लिए, यहाँ पे सीखने के लिए आपको कोई पैसा नहीं पे करना पड़ा है, यहाँ पर आपको फ्री में एजुकेशन मिल रहा है। तो आप खुद ही सोचिए कि आपके लिए क्या ज्यादा बेनिफिट है, कि वहां पर पैसे देके पढ़ाने से अच्छा है कि आप यहाँ पे घर में बैठे फ्री में अपने बच्चों को एजुकेशन दे सके। तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे और आप जरूर मुझे सपोर्ट भी करेंगे इस बात के लिए। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हैं, हम अपना यहाँ पे प्रॉब्लम सेट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ पे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ सीखेंगे। फिफ्थ स्टैंडर्ड के मैथ में हम लोग हमारा आगे का जो प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट 3, मतलब प्रश्न संग्रह 3 यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे।
तो ये प्रश्न संग्रह जो है, इस प्रश्न संग्रह में आपको कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं करना है, बहुत ही इजी प्रश्न संग्रह है, सिर्फ ध्यान देके समझने की जरूरत है। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए होंगे, आपको उन नंबर्स को आपको कन्वर्ट करना है वर्ड्स में, मतलब आपको यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई होंगी, उन संख्या को आपको अक्षरों में लिखना है, और कुछ नंबर्स आपको वर्ड्स में दिए गए होंगे और उसको कन्वर्ट करना है नंबर्स में, मतलब कुछ अक्षरों में दिए गए होंगे उनको हमको लिखना है संख्या के रूप में। तो यही आज हम इस प्रश्न संग्रह में स्टार्ट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 3, मतलब प्रश्न संग्रह 3 हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये दिया गया है नंबर्स में और इसको कन्वर्ट किस में करना है, हमको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, मतलब ये हमें संख्या दी गई है अंकों में और इसको हमको किस में लिखना है, अक्षरों में हमको उसको लिखना है। तो चलिए यहाँ पे अब हमको अक्षरों में लिखने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे अभी मैं आपको जो एक सिंपल सा और बहुत ही आसान एक आसान तरीका बताने जा रही हूँ, मतलब एक इजी लॉजिक आपको बताने जा रही हूँ, बस उस लॉजिक को आप ध्यान से समझिए। अगर वो लॉजिक आप यहाँ पे समझ गए तो उसके बेस पर आप जो नंबर्स है उसको ऑटोमेटिकली वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब अगर जो मैं अभी आपको यहाँ पे जो बताने जा रही हूँ अगर आप उस चीज को समझ गए तो वहां पे उस चीज का उपयोग करके उसे अक्षरों में आप खुद ही बना सकते हो। तो चलिए हम अपने लॉजिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम पहले इसको रीड आउट करते हैं कि ये कहाँ तक है नंबर्स। तो ये हो गया हमारा यूनिट, ये हो गया हमारा टेंस, ये हो गया हमारा हंड्रेड, ये हो गया हमारा थाउजेंड, ये हो गया हमारा 10,000 और ये हो गया हमारा लाख। अब आप सोचोगे कि पिछले जो प्रॉब्लम सेट हमने पढ़े थे, मतलब जो पिछला प्रश्न संग्रह हमने पढ़ा था, वहां पे सिर्फ हमने 10,000 तक ही नंबर पढ़े थे, लेकिन अब यहाँ पे एक नंबर और बढ़ गया है, मतलब एक नंबर और ज्यादा इंक्रीज हो गया है, मतलब लाख तक हमको यहाँ पे भी पढ़ना है। तो चलिए अभी यहाँ पे मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो आप थोड़ा सा ध्यान देके समझिए। तो यहाँ पे हमको ये पता चल गया है कि ये जो नंबर्स है वो कहाँ तक है, लैक्स तक है। तो अभी हम यहाँ पे अपना एक छोटे से कॉलम्स बना लेंगे, वो कॉलम्स क्या हैं वो अभी आप देखिए। तो यहाँ पे हमने यूनिट टेंस इस तरह से पढ़ा, उसी से हमको कॉलम्स बनाने हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो गया यूनिट, ये हो गया टेंस, ये हो गया हमारा हंड्रेड, ये हो गया हमारा थाउजेंड, ये हो गया हमारा 10,000 और ये हो गया हमारा लाख। अब इसका मैंने इस तरह से एक कॉलम बना लिया, ये मैं आपको रफली बता रही हूं सिर्फ समझाने के लिए, अगर आप चाहो तो बना भी सकते हो साइड में, तो आपको एकदम इजीली से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमने हमारा जो नंबर है, हमारी जो संख्या है वो कहां तक है, लाख तक, मतलब लाख तक। तो यहाँ पे मैंने इसे बना दिया, हिंदी में भी अगर आप इसे देखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो ये हमको प्रश्न दिया हुआ है, जो भी हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम इसके प्लेस पे एडजस्ट करते हैं, मतलब इसको हम इसकी संख्या पे रख देते हैं। तो हमारा सबसे पहले फोर, ये फोर नंबर कौन से प्लेस पे है, यूनिट पे, मतलब इकाई पे। उसके बाद में थ्री, थ्री कहाँ पे है, टेंस पे, मतलब दहाई पे। उसके बाद में टू, टू है हंड्रेड पे, मतलब सैकड़े पे। उसके बाद में फाइव, फाइव है थाउजेंड पे, मतलब हजार पे। उसके बाद में सिक्स, सिक्स कहाँ पे है, 10,000, मतलब 10,000 पे। और लास्ट में हमारा सेवन, सेवन कौन से नंबर पे है, लाख पे, मतलब लाख पे। तो ये नंबर को हमने उसकी प्लेस वैल्यू दे दी है। अब हमको इसे समझना कैसे वो ध्यान दीजिए। अगर आपने मेरी पहले की क्वेश्चन सेट जो देखे होंगे, पहले की जो प्रश्न संग्रह देखे होंगे, तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताया, दो चीजें बताई थी आपको ध्यान रखने के लिए। पहली चीज मैंने आपको ये बताई थी कि हमेशा जो दहाई और इकाई की संख्या, मतलब जो टेंस की और यूनिट की वैल्यू है, वो हमेशा आपस में मिला के हमें पढ़ना होता है। मतलब जो हमारी टेंस की, दहाई की और यूनिट, मतलब इकाई की जो भी संख्या है, उसे आपस में कंबाइन करके हमें पढ़ना होता है। ये मैंने एक चीज आपको बताया था। और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि जब हम नंबर्स को वर्ड में लिखते हैं तब हमेशा हंड्रेड के बाद हमें एंड लगाना पड़ता है,
ये चीज मैंने आपको बताई थी। और यहाँ पे अभी मैं जो तीसरी चीज आपको बताने जा रही हूँ वो भी आप ध्यान रखिए। जिस तरह से हमने टेंस और यूनिट को मिला के पढ़ा था, मतलब दहाई और इकाई को मिला के पढ़ते थे, उसी तरह से यहाँ पे 10,000 और 1,000 को भी हमको मिला के ही पढ़ना है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो 10,000 है, ये 10,000 में आपका 1,000 पहले से ही इंक्लूडेड रहता है, इसीलिए हमें 10,000 और 1,000 को हमेशा क्या करना है, मिला के पढ़ना है। तो चलिए अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं वर्ड्स में। तो सबसे पहले यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, लैक्स, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 लाख हो गया। अब आएंगे हम ये 6 पे, 10,000 पे। तो मैंने आपको क्या बताया, 10,000 और 1,000 को हमेशा मिला के लिखा जाता है। तो 10,000 में 6 है और 1,000 में 5 है, तो 6 और 5 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, 65। तो लिखेंगे 7,65,000 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे 100 में क्या है, 2, मतलब कितना हो जाएगा, 200 और 100 के बाद हमेशा क्या लगता है, मैंने आपको बताया था एंड, यहाँ पे लिखेंगे एंड, और टेंस की और यूनिट की संख्या को ज्वाइन करके क्या बन जाएगा, 3 और 4 को हम क्या पढ़ते हैं, 34। तो लिख देंगे यहाँ पे 34। समझ में आया सभी को, सिर्फ हमको प्लेस वैल्यू देखते जाना है, प्लेस वैल्यू देखते देखते ही आपको ये नंबर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे लैक में 7 है तो मैंने लिख दिया 7 लाख, लैक हमारा हो गया। अभी हम 1,000 पे आते हैं, 10,000 पे। तो मैंने बताया 10,000 और 1,000 के नंबर्स को हमेशा मिला के लिखा जाता है। तो 10,000 में 6 है और 1,000 में 5 है, तो 6 और 5 मिलकर क्या बन जाएगा, 65,000 हो गया। 65,000 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आएंगे 100 की पार्ट्स में, 100 में कितना है, 200, तो लिख दिया 200 और बाद में उसके एंड लगा दिया और लास्ट में हमने टेंस और यूनिट को मिला के क्या लिख दिया, 34। अब हम इसी को हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहां से, क्या है, लाख में है 7, तो लिखेंगे 7 लाख। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था 10,000 वाली संख्या को और 1,000 वाली संख्या को आपस में मिला के ही पढ़ना पड़ता है। तो 10,000 वाली संख्या में 6 है और 1,000 वाली में कितनी है, 5 है, तो दोनों आपस में मिल जाएगी तो कितनी बन जाएगी, 65,000 हो गई। 1,000 तक की, यहां तक की संख्या खत्म हो गई। अब 1,000 के बाद क्या होता है, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब कितना होता है, 100। तो दो नंबर का क्या हो जाएगा, 200। और यहाँ पे हमको दहाई और इकाई को आपस में एक साथ जोड़ के पढ़ना है, तो दहाई में 3 है और इकाई में 4 है, तो 3 और 4 को हम क्या पढ़ते हैं, मिल जाएगा तो 34। तो आया सभी को समझ में, बस हमें ये ध्यान देते रहना है कि लाख में, 10,000 में, 1,000 में, सैकड़ा और दहाई इकाई में कौन कौन सी संख्या है, बस हमें इसी को ध्यान देना है और इसी के बेस पे हमको ये जो है वो लिखते जाना है। तो चलिए, ये पहला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर में भी सेम उसी तरह से हम बना लेंगे, लैक, 10,000, 1,000, उसके बाद में 100, उसके बाद में टेंस और उसके बाद में यूनिट। हिंदी में भी देख लेते हैं, लाख, उसके बाद में यहाँ पे 10,000, उसके बाद में यहाँ पे सैकड़ा और यहाँ पे दहाई और यहाँ पे इकाई। चलिए अब हम पहले इसको उसकी जगह पे रख देते हैं, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू हम इसको बना देते हैं। 3 कहाँ पे है हमारा, लाख में, सॉरी यहां से स्टार्ट करना है, हमेशा हमें पीछे से स्टार्ट करना है। 1 कहाँ पे है, यूनिट पे, मतलब इकाई पे, लिख दिया 1। उसके बाद में हमारा टेंस पे क्या है, 0, मतलब दहाई में क्या है, 0, तो उसे 0 ही लिखेंगे।
हंड्रेड में भी हमारा क्या है जीरो, मतलब सैकड़ा में भी जीरो है तो उसे जीरो ही लिखेंगे। उसके बाद में थाउजेंड, सॉरी उसके बाद में क्या है थाउजेंड, थाउजेंड में कितना है सेवन, मतलब हजार में कितनी सी संख्या है हमारी सात है, तो हजार में हमने सात लिख दिया, मतलब थाउजेंड में सात लिख दिया। अब है हमारा टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड में हमारा कौन सा नंबर है टू, मतलब दस हजार में हमारा दो नंबर है। और उसके बाद में लाख, लाख में हमारा कौन सा नंबर है थ्री, मतलब लाख में हमारा थ्री है। तो चलिए अब हम इसे लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा थ्री लाख, थ्री लाख, थ्री लाख। उसके बाद में मैंने बताया था इन दोनों को हमेशा आपस में मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं, टू और सेवन मिलके क्या हो जाएगा ट्वेंटी सेवन, दो और सात मिलके कितना हो जाएगा, टू और सेवन मिलके कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन, क्या हो जाएगा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड, लिखेंगे ट्वेंटी सेवन थाउजेंड, हो गया थाउजेंड तक हमारा फिनिश हो गया। अब आगे आते हंड्रेड पे, अगर आप देखोगे तो हंड्रेड पे कोई भी नंबर्स नहीं है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि जब भी हमारे हंड्रेड पे या किसी भी जगह पे अगर कोई भी वैल्यू नहीं दी है तो उसे वैसे ही छोड़ देना है, हंड्रेड पे कोई वैल्यू नहीं दी है तो हंड्रेड नहीं लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं टेंस पे, टेंस पे भी कोई वैल्यू नहीं दी है तो टेंस को भी छोड़ देंगे। फिर आते हैं यूनिट पे, यूनिट पे कितना दिया है वन। चलिए अब इसके आगे हमेशा हम लोग को हंड्रेड के आगे एंड लगाना ही पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे एंड वन। समझ में आया सभी को, इसी को हिंदी में भी देख लेते हैं, लाख पे हमारी कौन सी संख्या है तीन, तो लिखेंगे तीन लाख, तीन लाख हो गया हमारा। अब दो और सात मिलके कितना हो जाएगा सत्ताईस, तो क्या लिखेंगे उसको सत्ताईस हजार। सत्ताईस हजार हो गया, चलो यहां तक हमारा हजार तक सब फिनिश हो गया, खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं सैकड़ा पे, सैकड़ा पे कोई भी संख्या दी है क्या, नहीं दी है तो उसे हम नहीं लिखेंगे। दहाई में भी कोई संख्या दी है क्या, नहीं दी है तो उसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे। लास्ट में हमारे पास इकाई में कौन सी संख्या है एक, तो उसे लिख देंगे हम लोग एक, तो हम लोग का क्या बन जाएगा तीन लाख सत्ताईस हजार एक, हो गया थ्री लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड एंड वन। समझ में आया सभी को, तो ये आपको मैंने यहाँ पे दो सम्स बता दिए हैं, बाकी के जो सम्स है वो भी सेम इसी तरह से है, इसी तरह से आपको हल करना है, वो आपको अपने से ट्राई करना है, वो आपका होमवर्क होगा, राइट। अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैम हमें ये नंबर का जो क्वेश्चन है वो नहीं समझा है, तो आप मुझे एक बार समझा दीजिए, तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में ही आपका रिप्लाई दे दूंगी, अदरवाइज मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो नेक्स्ट वीडियो में पहले आपका प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। तो ये दो सम्स हमने सिखा दिए हैं यहाँ पे, आगे के जो सम्स हैं वो भी सेम इसी तरह से है, पहले हमको इस तरह से कॉलम बना के देख लेना है, फिर उसमें उसकी वैल्यू लगानी है, वैल्यू लगाने के बाद उससे हमको कन्वर्ट करना है वर्ड्स में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अब इसके आगे जो सेकेंड क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं, आते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से दिया गया है, हमें ये जो नंबर्स हैं वो ऑलरेडी वर्ड्स में लिख के दिए हुए हैं, वर्ड्स वाले नंबर को हमको कन्वर्ट करना है नंबर्स में, मतलब यहाँ पे हमको अक्षरों में संख्या लिख के दी गई है और ये अक्षरों को हमको किसमें बदलना है, संख्या में बदलना है। तो सेम उसी लॉजिक का यूज हम करेंगे और उसी लॉजिक का यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर्स बनाएंगे, मतलब संख्या बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। सबसे पहले है वन लैख, वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव, पैतीस हजार आठ सौ पचपन। अभी अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये वैसे ही है जो हमने बनाया था, नंबर्स दिया गया था और हमने क्या किया था, उसे वर्ड्स में बनाया था, मतलब हमें अक्षरों में हमने बनाया था। अब वही लॉजिक का यूज करके हमको क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है नंबर्स में। तो चलिए लैक्स दिया हुआ है तो हम यहाँ से लैक्स से स्टार्ट करेंगे, लैक, उसके बाद में है टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड के बाद थाउजेंड, थाउजेंड के बाद
हंड्रेड, हंड्रेड के बाद टेंस, टेंस के बाद यूनिट। अभी इसे हम हिंदी में भी लिख लेते हैं। हिंदी में क्या आएगा, ये यूनिट है तो इकाई, उसके बाद में दहाई, सैकड़ा, हजार, यहां पे आएगा दस हजार और यहां पे आएगा लाख। तो चलिए अब हम इसे नंबर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे क्या दिया है, वन लाख, वन लाख दिया है, मतलब लाख में कौन सा नंबर आएगा, वन। तो हम यहां पे लिख देंगे वन। उसके वन लाख हो गया हमारा फिनिश। अब हमें दिया है थर्टी फाइव थाउजेंड, थर्टी फाइव थाउजेंड मतलब जो हमारा टेन थाउजेंड का है नंबर, उसमें थर्टी फाइव थाउजेंड, थर्टी फाइव हम कैसे लिखते हैं, थ्री और फाइव, मतलब यहाँ पे टेन थाउजेंड में कौन सा नंबर आएगा, थ्री, और थाउजेंड में क्या आएगा, फाइव। तो देखो अभी थ्री और फाइव मिलके क्या बनता है, थर्टी फाइव, तो आ गया थर्टी फाइव थाउजेंड, राइट। उसके बाद में दिया है एट हंड्रेड, मतलब हंड्रेड के नंबर में कौन सा आएगा, एट, और उसके बाद में दिया है एंड फिफ्टी फाइव, मतलब टेंस में और यूनिट में कितना होगा, फाइव फाइव, क्योंकि फाइव फाइव मिलके ही क्या बनता है, फिफ्टी फाइव, फाइव फाइव को ही हम क्या पढ़ेंगे, फिफ्टी फाइव। तो समझ में आया सभी को, बस हमको ध्यान देना है कि कौन सा नंबर कौन से वैल्यू पे लिखा है और उसी वैल्यू को यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे उस वैल्यू को रखना है। तो चलिए इसे हिंदी में भी समझ लेते हैं। हिंदी में क्या दिया है, एक लाख, मतलब लाख वाली जो संख्या है वहां पे हमारा कितना आ जाएगा, एक हो गया। अब बोला है पैंतीस हजार, पैंतीस हजार हमारा कैसे बनता है, तीन और पांच को मिला के पैंतीस बनता है, मतलब जो हमारी दस हजार वाली जो संख्या है वहां पे क्या आ जाएगा, तीन, और हजार वाली संख्या पे क्या हो जाएगा, पांच, तभी तो दोनों मिलते हैं और क्या बनेगा, थर्टी फाइव, सॉरी तभी तो दोनों मिल जाएंगे और क्या बनेगा, पैंतीस हजार। तो हो गया यहाँ पे हमारा पैंतीस हजार। अब आते हैं सैकड़ा पे, सैकड़ा में क्या दिया है, आठ सौ, आठ सौ मतलब कितना जाए सैकड़ा में, आठ, और उसके बाद दिया है पचपन, पचपन हमारा कैसे बनता है, पांच और पांच लिख के, तो मेरा दहाई में पांच हो गया और इकाई में पांच हो गया, तो ये कितना बन गया, पचपन। तो चलिए अब हम इसे पढ़ के एक बार देख रहे थे कि क्या सही में हमारा ये जो नंबर निकला है वो नंबर राइट है या रॉन्ग है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, वन लैख, ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा वन लैख, एक लाख, थर्टी फाइव थाउजेंड, थर्टी फाइव थाउजेंड मतलब पैंतीस हजार आ गया हमारा यहां तक बराबर, एट हंड्रेड, एट हंड्रेड मतलब आठ सौ, फिफ्टी फाइव, फिफ्टी फाइव मतलब पचपन। तो हमने ये जो नंबर बनाया वो नंबर क्या है, राइट है। तो इससे हम कैसे लिखेंगे, वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव, राइट, इस तरह से। ये हो गया हमारा नंबर्स में, मतलब संख्या में। तो ये सभी को समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा वो थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत इजी है, ध्यान देना बस। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा नाइन लैख, नाइन लैख हो गया। तो चलिए नाइन लैख मतलब लैख में कितना आ जाएगा, नाइन। अब आगे दिया है नाइन थाउजेंड। अभी आप सोचोगे यहाँ पे टेन थाउजेंड वाला नंबर्स तो नहीं दिया, सिर्फ एक ही सिंगल नंबर दिया है नाइन थाउजेंड। तो नाइन थाउजेंड का मतलब ये है कि थाउजेंड के कॉलम में नाइन आएगा, बट अभी यहाँ पे दो नंबर्स आपस में मिले नहीं, जैसे हम लोगों ने पिछले में देखा था थर्टी फाइव, मतलब थ्री और फाइव से दो नंबर्स मिलके बने थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नाइन दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो टेन थाउजेंड का प्लेस है वहां पे कुछ भी नहीं होगा, तो वहां पे कुछ नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं दी है, तो हम वहां पे कितना लिख देंगे, जीरो। और थाउजेंड में हमें कितना दिया है, नाइन, तो थाउजेंड में आ जाएगा नाइन। अब देखिए पढ़िए, राइट है क्या, नाइन लैख, ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो कितना बन जाएगा, नाइन थाउजेंड, क्योंकि जीरो प्लस नाइन कितना होता है, जीरो और नाइन मिलकर नाइन ही होगा, तो क्या पढ़ेंगे इसको, नाइन थाउजेंड। अगर आप बोलोगे कि नहीं थाउजेंड में नाइन आएगा यहाँ पे जीरो आएगा, तो ये नाइन और जीरो मिल गया तो नाइन्टी बन जाएगा, तो वो नाइन्टी थाउजेंड हो जाएगा,
लेकिन हमें 90,000 चाहिए क्या? नहीं, हमें कितना चाहिए? सिर्फ 9,000 चाहिए। तो यहाँ पे आएगा 10,000 के प्लेस पे 0 आएगा और 1,000 के प्लेस पे 9 आएगा। तो हो गया हमारा 9,000। अब आगे दिया है 99 किससे मिलता है? टेंस और यूनिट को मिला के 99 होगा, तब वो क्या बनेगा? 99। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 100 की जो वैल्यू है वो मिसिंग है, तो 100 की वैल्यू नहीं दी है, तो 100 की कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे? 0। और 99 का मतलब क्या हुआ? 9 आएगा हमारा टेंस में और यूनिट में भी कितना आ जाएगा? 9, तो 99। तो चलिए अभी से काउंट पढ़ के देख लेते हैं राइट है या रॉन्ग है। 9 लाख, ये हो गया हमारा 9 लाख। 0 + 9 मिल गया कितना हो जाएगा? 9,000 आ गया हमारा 9,000। 100 की वैल्यू कुछ नहीं दिए तो उसे नहीं लिखेंगे, फिर डायरेक्ट इस पे आएंगे 9 और 9, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 99। तो हो गया हमारा 99। राइट, समझ में आया सभी को? इसी को हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में हमारा प्रश्न है 9 लाख। 9 लाख मतलब लाख की जगह पे कितना आएगा हमारा? 9। अभी 9 लाख के बाद दिया है डायरेक्ट हमें 9,000। यहाँ पे हमको कोई, जैसे हम लोगों ने पिछले प्रश्न संग्रह में पढ़ा था 35,000, मतलब दो नंबर्स को मिला के बन रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल नंबर दिया है 9, एक ही संख्या दी है 9 की संख्या, वो भी हजार में। तो इसका मतलब ये है कि 10,000 वाला जो अंक है वहां पे कुछ भी नहीं आएगा, वहां पे कितना आएगा? 0। तो यहाँ पे 10,000 वाले अंक में मैंने लिख दिया 0। अब 9,000 बोला तो 1,000 की जगह पे क्या आएगा? 9। तब देखो ये दोनों मिलके कितना बन जाएगा? 9,000। ठीक है, अब यहाँ पे सैकड़ा वाला कोई भी अंक नहीं दिया हुआ है, तो सैकड़ा वाला कोई अंक नहीं दिया है तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 0। और लास्ट पे दिया है हमें 99। 99 कैसे बनता है? दहाई और इकाई को मिला के 9 और 9 होके कितना बन जाएगा? 99। तो ये हो गया हमारा 99। तो समझ में आया सभी को? ये बहुत ईजी है। अभी इसी में 6 क्वेश्चन एक और है, वो भी आपको थोड़ा सा अलग है, वो भी मैं बता देती हूँ। 6 क्वेश्चन जो हमारा है वहां पे सिर्फ हमको लिख के दिया है 8 लाख। 8 लाख बस इतना ही दिया हुआ है, इसका ये कोई भी नंबर्स नहीं दिए हैं, और हिंदी में है वो 8 लाख। अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसा नंबर है, लेकिन ये बहुत इजी है, इन सारे नंबर्स से इजी है। तो चलिए इसे बना लेते हैं लाख, 10,000, 1,000, 100, 10 यूनिट, मतलब यहाँ पे आ जाएगा लाख, यहाँ पे हो जाएगा 10,000, यहाँ पे 1,000, यहाँ पे सैकड़ा, यहाँ पे दहाई और यहाँ पे इकाई। तो चलिए देखते हैं, 8 लाख मतलब लाख में कौन सा नंबर लिखना है हमें? 8। अब आगे कोई भी नंबर दिया ही नहीं है, तो जब कोई भी वैल्यू नहीं दी है तो सारे वैल्यू के आगे क्या लग जाएगा? 0, 0, 10,000 की 0, 0, 0, यहाँ पे भी 0। अब इसे पढ़ो देखो, यूनिट, टेंस, 100, 1,000, 10,000, लाख, तो कितना बन गया ये? 8 लाख। तो सिंपल सा हमारा 8 लाख हो गया। हिंदी में क्या है? 8 लाख, मतलब लाख की जगह पे हमको क्या लिखना है? 8, और बाकी की जगह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना हजार की संख्या, ना सैकड़े की संख्या, ना दहाई का, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो सब क्या आएगी हमको क्या लगाते जाना है? 0। समझ में आया सभी को? तो ये जो है हमारा प्रॉब्लम सेट यहाँ पे खत्म होता है स्टार्टिंग के प्रश्न में। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वहां पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, बाकी के 8 क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क करना है। यहाँ पे भी टोटल 6 क्वेश्चन है, मैंने आपको 3 बता दिए हैं, बाकी के 3 आपको खुद से सॉल्व करना है, वो आपका होमवर्क होगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम सेट 3 यहीं पे फिनिश होता है। कल पढ़ेंगे हम प्रॉब्लम सेट 4, वो भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी अगर इसमें छोटी से छोटी चीज नहीं समझ में आई है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको कमेंट में ही आपका सॉल्यूशन दे दूंगी। लेकिन अगर आपको वहां पे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइए कमेंट में ही, मैं अपनी आगे की वीडियो में पहले आपका प्रॉब्लम डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।